ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 25। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेक्चर 24 के अंदर अपन ने क्या किया था, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप। सो लेक्चर 24 के अंदर अपन ने किया था सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने एक और नया फॉर्मेट भी सीखा था जिसे अपन बोलते हैं कोची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बेस के ऊपर अपन ने कुछ सवाल भी किए थे, तो आज भी अपन थोड़ा सा इसकी शुरुआत जो है उसी एक सवाल से करेंगे, ताकि पिछला जो हमारा पढ़ा हुआ वो सारा अपना एक बार रिवाइज हो जाए। और आज का एजेंडा हमारा क्या रहने वाला है, टुडेज एजेंडा, एजेंडा की स्पेलिंग गलत है तो डोंट जज मी, एजेंडा क्या है बेसिकली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गामा फंक्शन। और बीटा फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर टुडेज एजेंडा। और थोड़ा सा किकअप करते हैं हमारे पिछली नॉलेज से, ताकि पिछला जो भी हमने पढ़ाया है वो हम भूले ना। तो एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सवाल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x dy/dx प्लस 9y इक्वल्स टू 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए c1 + c2x e की पावर 3x, ऑप्शन बी है आपके पास c1 + c2 ln x e की पावर x³, ऑप्शन सी है अपने पास c1 + c2 ln x x³, एंड ऑप्शन डी है आपके पास c1 + c2 x और x²। तो ये है आपके पास सवाल जो कि है यूलर कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो पहले आपको चेक करना है कि ये आपकी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बताया था राइट हैंड साइड में अगर आपके पास आर एक्स आता है और आर एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है और वो कुछ फंक्शन है एक्स का, इन दैट केस दिस विल बिकम नॉन होमोजीनियस। बट लकीली राइट हैंड साइड में अपने पास कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट है होमोजीनियस कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर, पहली चीज़ तो आपको एक सब्सटीट्यूशन करना है, और वो सब्सटीट्यूशन क्या था, वो सब्सटीट्यूशन था हमारे पास एक्स इक्वल्स टू ई की पावर लेट्स से जेड, एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड। उस केस में हमारे पास डी बाई डी टी था, तो इसलिए हमने एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी कर दिया था, बट यहाँ पे अपन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, लॉन एक्स इक्वल्स टू जेड, ठीक है जी। तो यहां से हम निकाला करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया अपने पास, 1/x डी वाई बाई डी जेड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी जेड। इसी तरीके से क्या मैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, ये अपना हो गया डी वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ब्रैकेट डी माइनस 1 y, जहां मेरा वेयर वेयर डी किस तरीके से डिफाइन है, डी इज डी बाई डी जेड नॉट एक्स, डी इज डी बाई डी जेड, बस ये चीजें ध्यान रखनी है।
तो जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया अपन ने तो अपने पास क्या आई, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी ब्रैकेट डी माइनस वन वाई माइनस, इसके लिए क्या करेंगे, फाइव टाइम्स डी वाई प्लस नाइन वाई इक्वल किसके आ गया, जीरो के। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे, यहां से ऑपरेटर फॉर्मेट को बाहर निकालेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस फाइव डी प्लस नाइन, ये हमारा ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट हो रहा है वाई पे और मेरे को दे रहा है जीरो। तो यहां से मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या आई है सर, डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। यहां से मेरे पास दो रूट्स निकलेंगे, एक रूट होगा क्या, निकाल सकता है कोई? अच्छा, इसके टुकड़े करेंगे तो क्या क्या बनेंगे, इसके टुकड़े करूं किस तरीके से करूंगा सर, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस थ्री डी प्लस नाइन, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा तो सिक्स आना चाहिए माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, नाइन प्लस का। तो इनमें से चेक करके आप देख ही सकते हो, तो ये जोड़ा बन गया अपने पास डी माइनस थ्री माइनस थ्री कोष्टक डी माइनस थ्री। इट मीन्स रूट्स तो क्या आ गए अपने पास, सेम आ गए सर। जब रूट सेम आते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो कैसा आता है, सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एम एक्स। ठीक है, यहां से एम की वैल्यू आ गई अपने पास थ्री। तो बताइए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी वाई इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू। अब यहां पे एक्स आएगा या जेड आएगा ये आपको सोच के बताना है। एक्स तब आता जब डी ऑपरेटर मेरा होता डी बाई डी एक्स, बट ये तो नहीं है। मेरा डी ऑपरेटर क्या है, मेरा डी ऑपरेटर है डी बाई डी जेड। फिर जेड को मेरे को सब्सटीट्यूट करना है। इस सवाल का जो क्लश है, जो कैच है, वो यही है डी जेड, ये है मेरा डी ऑपरेटर। तो मेरा जो वेरिएबल है यहाँ पे, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, जेड है, न कि एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा सी वन प्लस सी टू जेड, यहां मैं लिखूंगा सी वन प्लस सी टू जेड एक्सपोनेंशियल ई की पावर कितना लिखूंगा, थ्री जेड, थ्री जेड। बट सर मेरा आंसर तो किस में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए। तो अब बच्चा देखो, अपना जो सब्सटीट्यूशन था इसमें जेड इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, लॉन एक्स। अब ये यहां पे पुट कर दो, सो वाई मेरा क्या आ गया, सी वन प्लस सी टू लॉन एक्स ब्रैकेट ई की पावर थ्री लॉन एक्स। बट सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, हाँ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो थ्री लॉन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, थ्री लॉन एक्स, क्या मैं थ्री को इसकी पावर में भेज सकता हूँ, तो ये बन गया लॉन एक्स क्यूब। और मैंने ये सिखाया था कि ए ई की पावर लॉग ए कुछ भी हो एक्स, तो ए और ए बेस और लॉगरिथम फंक्शन का बेस दोनों मैच कर गए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर क्या आता है, एक्स। सिमिलरली यहां से ई की पावर लॉन एक्स क्यूब है, तो बेस बेस सेम हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, वाई इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू लॉन एक्स ब्रेकिट एक्स क्यूब। देख के बताओ कौन सा मैच कर रहा है, जल्दी से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से देख के बताएंगे। क्या सब लोगों का ऐसा ही आया था, सर आपने दिया ही नहीं हमें करने के लिए, ठीक है नहीं दिया तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। काफी अच्छा सवाल है, जेस्ट के अंदर पूछा गया था, नाइस। ठीक है जी, बढ़ चले आगे। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के हर टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सा भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, अनटिल और अनलेस कि वो लेजेंडरी पॉलीनोमियल्स और उनसे ना आ जाए, तो वो तो एक डिफरेंट टाइप है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम पढ़ेंगे बट थोड़ा लेट। फिलहाल जो हमारे आगे आने वाली फिजिक्स के अंदर जो काम आने वाले हैं उन फॉर्मेट्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि न तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ हो दिक्कत और न ही हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर कोई दिक्कत।
एटलीस्ट वहां तक की चीजें अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि वहां पर अपन डायरेक्ट इनकी एप्लीकेशन यूज कर सकें। क्लियर है जी? सो आज के अंदर आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। आई होपफुली शायद गामा फंक्शन आज हो जाएगा, बीटा फंक्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। सो गामा फंक्शन, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरियंट हैं तो हर वेरियंट से रूबरू होना आवश्यक है, तो आपसे वही करवाया जाएगा आज। सो गामा फंक्शन क्या है? तो हमारे पास इंटीग्रल का एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट इस तरीके से है कि 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx, वेयर n इज ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 ही क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम गामा फंक्शन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड गामा फंक्शन, और दिस फॉर्म इज कॉल्ड गामा फंक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं सर? इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके के सिंबल से, दिस इज अ ग्रीक सिंबल, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, दिस इज आवर गामा। ठीक है? अच्छा, तो ये इक्वल किसके होता है? दिस इज इक्वल्स टू गामा एन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला आपके बहुत जगह पे काम आएगा, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये काम आएगा, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी काम आएगा, और जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उनमें भी ये काम आएगा। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आखिर हम गामा फंक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो आपको रियलाइज होगा कि गामा बेसिकली क्या है। गामा एक रोल है, जैसे अपने रियल स्पेस के अंदर, रियल इंटीजर इंटीजर्स के अंदर हमारे पास फैक्टोरियल होता है। ठीक है? फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट है। तो ये तो हो गया अपने रियल नंबर्स के अंदर, रियल इंटीजर नंबर्स के अंदर। बट जब हम डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें जाना पड़ता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ जगह के ऊपर आपका जो फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन को जब आप प्लॉट करते हो ना तो आपका प्लॉट कुछ इस तरीके से आता है, डिफरेंट डिफरेंट एन के लिए आपका प्लॉट कुछ अलग अलग तरीके का आता है। तो कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होगा, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपका फंक्शन डाइवर्ज कर जाएगा, या फिर एसिम्प्टोटिक नहीं होगा, या फिर एनालिटिक नहीं होगा। तो इस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, जहां पे ये एनालिटिक ना हो उस केस में हम उन पॉइंट्स को रिमूव करते हैं, और यही चीज अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में करेंगे। तो इसका ग्राफ आप यूट्यूब पे भी, आप गूगल के ऊपर भी सर्च करते हो तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है इसका। आप देखोगे कि ये जगह जगह के ऊपर डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये गामा फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये डिफाइन है, n लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं है। दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ कंडीशन n ग्रेटर देन 0। तो इसका यूज भर भर के अपन हर जगह पे करेंगे, इसलिए ये फॉर्मेट का डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की एप्लीकेशन अलग अलग फॉर्मेट में अपन यूज करेंगे। कैसे करेंगे? आज पूरा यही सीखने वाले। तो आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि गामा बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर फैक्टोरियल का रोल अदा करता है। जैसे फैक्टोरियल होता है रियल इंटीजर प्लेन के अंदर, वैसे ही गामा जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमारे लिए फैक्टोरियल की जो भूमिका है वो अदा करता है। ठीक है सर? अब गामा फंक्शन होता क्या है? गामा फंक्शन है e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डॉट dx, और इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट। लिमिट ध्यान रखना, लिमिट ध्यान रखना कि लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लिमिट स्टार्ट हो रही है सर 0 से इन्फाइनाइट। दैट्स इट। और ये इक्वल किसके होता है? दिस इज इक्वल्स टू गामा एन के।
इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजों के बारे में अभी बात करेंगे। पहले ये चीज आप लिखिए। लिख लिया सभी ने? चलिए। सो सबसे पहले अपन कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सर गामा एन का फॉर्मूला आ गया, क्या? जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहाँ पे एन ग्रेटर देन जीरो है, एन से और इंटीजर है, इंटीजर, डोंट फॉरगेट टू मेंशन। तो ये बताइए जीरो से सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है जो कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, वन। तो क्या मैं गामा वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? चलिए निकालते हैं। वन की वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड साइड में मैं एन की जगह क्या लिखूंगा बताओ? वन लिखूंगा। सो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर वन माइनस वन डी एक्स, क्या हो गया ये? जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया, एक्स की पावर जीरो क्या होता है? वन। सो दिस टर्म विल बिकम वन। मेरे पास इंटीग्रेशन बस सिर्फ ये तो सर हमें आता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। तो जब आप लिमिट इनफाइनाइट पुट करोगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर जीरो वन, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना जाएगा? वन। तो मैं लिख देता हूँ, ये आपका नेगेटिव वाला साइन, ये ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस वन, तो आपके पास जो गामा वन निकल के आया वो आया है वन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, गामा वन इक्वल किसके होता है? वन के। वेरी गुड। चलिए तो इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है। सर आपने वन के लिए निकाल दिया, इसी तरीके से आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। सो प्रॉपर्टीज, इनका प्रूफ मैं कराऊंगा वैसे, तो उसकी चिंता मत करिए। तो इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप भी प्रूफ कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि गामा एन प्लस वन किसके इक्वल है? एन गामा एन के। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, गामा एन प्लस वन किसके इक्वल है? एन फैक्टोरियल के। ये कब पॉसिबल है? सिर्फ जब एन आपका इंटीजर है, क्योंकि एन की जो फैक्टोरियल वाली जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। आप देखो कि फ्रैक्शन के अंदर फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? तो इनको अपन बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूलास। जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये टर्म बहुत यूज होती है, दीज आर कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूलास। अब एक एक करके इनका प्रूफ देखते हैं, ठीक है जी? तो देखो पहले का प्रूफ देखते हैं अपन। सो हमें पता है गामा एन क्या है हमारा, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखें और आपको भी याद हो, ये फॉर्मेट याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये होता है गामा एन। अच्छा आप अब मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे आईलेट लगा सकता हूँ? आई एल ए टी ई। तो यहां से बताइए फर्स्ट फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा? ई मतलब एक्सपोनेंशियल, तो इसको तो सेकंड फॉर्मेट रखेंगे अपन, इसको अपन फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। तो यहां से अपना क्या आ गया, हम रखेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये दिखाई तो दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपके पास आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाई माइनस वन, लिमिट पुट करेंगे जीरो से इनफाइनाइट, माइनस क्योंकि फॉर्मूले का होता है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन डी एक्स, क्या यही होता है? तो इसको ध्यान से थोड़ा सा अगर अपन वापस से रीअरेंज करके लिखेंगे तो माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया अपना, ई की पावर माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करेंगे अपन जीरो से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट
ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन डी एक्स, क्या यहाँ तक सही है? लिमिट अभी भी क्या है, जीरो टू इन्फाइनिट। अब मुझे ध्यान से बताइएगा, इधर अपन क्या है निकाल रहे, गामा एन की वैल्यू। मुझे ध्यान से बताइएगा, अगर मैं इस टर्म के अंदर एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट करता हूँ तो क्या ये वाली वैल्यू इस पूरे को जीरो कर देगी, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, जीरो सर, माइनस। अब मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो जीरो पुट करूंगा ये तो वन हो जाएगा, बट एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो दोनों टर्म ही क्या हो गई मेरी, जीरो। बचा कौन, माइनस माइनस प्लस, एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। थोड़ा और इसको अच्छे से लिखूं अगर मैं, तो ये क्या है सर, एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स। अब देखना, एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन डी एक्स। कुछ दिखा आपको, क्या ये गामा एन माइनस वन है, आया ना? क्या ये चीज गामा एन माइनस वन है? क्यों? क्योंकि अपने एक्चुअल फॉर्मेट में जो आपको याद होगा, हमारा जो एक्चुअल फॉर्मेट क्या था गामा एन का, वो था सर जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन। अब अगर मैं एन की जगह एम पुट कर दूं तो मेरा नया फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब एम की जगह मैं एम माइनस वन पुट कर दूं तो मेरा नया फॉर्मूला बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस वन। और ये चीज ही क्या है, ये चीज तो ये रही सर, तो इसका मतलब मैं इसे गामा एन माइनस वन लिख सकता हूं। तो इसका मतलब गामा एन किसके बराबर हो गया, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन के। क्या समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में गामा, अब देखो एक बार इसको लॉजिकली सोचना, अगर मैं गामा एन फाइंड आउट करता हूं तो उसकी वैल्यू होती है इससे एक कम इंटू उसी का ही गामा। अगर मैं यहां पे एन प्लस वन ले लूं तो यहां पे क्या होगा, इससे एक कम, मतलब एन प्लस वन से एक कम किया तो क्या आएगा, एन, और इसी का गामा। यही तो प्रूफ करना था। एनालॉजी समझ में आई, किस तरीके से अपने को इसको प्रूफ करना है ये समझ में आया? तो ये आपको प्रूफ नहीं करना है, बट आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये डायरेक्ट यूज होगा। सो गामा एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, एन गामा एन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपके पास दूसरा फॉर्मेट क्या है, गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। इसको कैसे प्रूव करें सर? तो मुझे पता है कि गामा एन प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू गामा एन। इसी तरीके से गामा एन को मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। इसी तरीके से गामा एन माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। और ये ऐसे चलता जाएगा कब तक, एक तक, क्योंकि जीरो हो गया तो गामा फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चलेगा अपने पास एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डैश 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 थ्री टू वन। और ये क्या ही है, ये है हमारा एन फैक्टोरियल। आई होप दोनों प्रॉपर्टीज के प्रूफ आपको समझ में आ गए होंगे। तो दो प्रॉपर्टीज है अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी सर एक बार वापस से लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी है एन प्लस वन इक्वल किसके होता है, एन गामा एन के। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास गामा एन प्लस वन को अपन लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, दैट्स इट। कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन क्या है कि एन शुड बी इंटीजर। अभी आएगा एक सवाल आएगा जिसमें अपने को ये कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। एक बार जल्दी से इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं, उनके प्रूफ्स में थोड़ा सा आगे करके बताऊंगा। तो आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है गामा वन बाई टू। सर ये कैसे आ गया, फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता था, बट हाँ
गामा वन बाई टू की, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स के साथ आप खेल सकते हो, गामा वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसका प्रूफ मैं पढ़ाऊंगा बीटा फंक्शन के अंदर, यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे अपन बीटा फंक्शन के अंदर, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप याद कीजिए कि गामा हाफ की वैल्यू होती है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। क्या इससे अपन गामा माइनस हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बताएगा? आपके पास दो प्रॉपर्टी है, क्या आप इससे गामा माइनस हाफ की वैल्यू निकाल सकते हो? चलिए इसका एक सवाल बनाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस हाफ, कैसे करेंगे सर? प्रॉपर्टीज है आपके पास और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करना आपको आना चाहिए। क्या सर प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, गामा एन प्लस वन इक्वल होता है एन गामा एन के। अब मुझे आप बताइए, क्या मैं माइनस हाफ को, क्या मैं माइनस हाफ को ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? हाफ माइनस वन लिख सकता हूँ। ये क्या बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया? अगर मैं, अच्छा अगर इसी के लिए बात करें तो गामा एन माइनस वन क्या होगा मेरे लिए? गामा एन माइनस वन क्या होगा? एन माइनस टू गामा एन माइनस टू। या फिर इसको ऐसे ना सोच के अपन कुछ और तरीके से सोचते हैं, ऐसे तो थोड़ा टीडियस हो जाएगा। हमारे पास गामा माइनस हाफ क्या बन सकता है? हमारे पास माइनस हाफ को मैं लिख सकता हूं क्या, या फिर प्लस हाफ को मैं लिख सकता हूं, माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, हाफ को मैं लिख सकता हूं माइनस हाफ प्लस वन, ठीक है। दोनों तरफ गामा ऑपरेट किया तो ये गामा हाफ इक्वल्स टू गामा माइनस वन बाई टू प्लस वन। अब ये प्रॉपर्टी लगाओ तो यहां से आप क्या कहोगे कि सर गामा हाफ की वैल्यू तो मुझे पता है, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्मेट से माइनस वन बाई टू गामा माइनस वन बाई टू, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एन है, ये हमारा प्लस वन है, तो गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया, एन गामा एन आ गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि गामा माइनस हाफ, ये माइनस टू उधर चला जाएगा, इक्वल्स टू होता है माइनस का टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसी तरीके से एक और सवाल पूछा गया था, सवाल था सर गामा माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू क्या होगी, क्या निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे? हमें पता है, हमें पता है क्या कि माइनस हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस थ्री बाई टू प्लस वन लिख सकता हूँ, ऑपरेट कराया तो गामा माइनस हाफ इक्वल हो गया गामा माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ प्लस वन के। ये क्या हो गया, माइनस का थ्री बाई टू गामा माइनस का थ्री बाई टू, और ये वैल्यू मुझे पता है यहाँ से निकाल के, माइनस का टू रूट पाई इक्वल्स टू माइनस का थ्री बाई टू माइनस का थ्री बाई टू। तो यहाँ से मेरे पास जो गामा माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू आई है वो आई है, गामा माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू आई है दो दूना चार, माइनस माइनस कैंसल, फोर डिवाइड बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा माइनस थ्री बाई टू। तो आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है, आपको भी एक छोटा सा सवाल देता हूं, गामा माइनस सेवन बाई टू की वैल्यू आपको निकालनी है और कमेंट सेक्शन में निकाल के डालनी है जल्दी से। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और गामा माइनस सेवन बाई टू की वैल्यू क्या होगी इसी फॉर्मेट में निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, अभी चाहता हूं मैं, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बहुत आलसी हो,
गामा माइनस 7/2 की वैल्यू निकालिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस 5/2 आ रखा है, मे बी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि माइनस 7/2 आ जाए। चलिए लिख लिया सबने, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बढ़ चले आगे। ओके जी, चलिए आज हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है। आपको थोड़ा सा साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा, दिखाई क्या देगा। चलिए अब सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग गामा फंक्शन। वो फॉर्मूलेस क्या क्या हैं तो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, आपके पास कई बार ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। क्या पहला फॉर्मेट, फर्स्ट, ये बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स की पावर एन का। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 to ∞ e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन में ए की पावर एन प्लस, जहां पे ए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, कांस्टेंट, एंड एन इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज है, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग गामा फंक्शन। करें, ट्राई करें। अब ट्राई कैसे करेंगे सर, हमें पता है गामा फंक्शन क्या होता है। हमारे पास जो गामा फंक्शन है वो क्या है, 0 to ∞ e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, गामा एन के, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल के। क्योंकि अपन ने सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या लिखा था कि गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स अगर गामा एन पूछ लिया तो वो एन माइनस वन फैक्टोरियल की एक कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सर इस फॉर्मेट का यूज हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि e की पावर सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट नहीं आना चाहिए। तो अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, क्या मैं इस कॉन्स्टेंट को रिमूव कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, सब्स्टिट्यूशन से या फिर कोई भी मेथड से। सर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं ए एक्स को मानते हैं टी, यहां से डी एक्स बताओ क्या हो गया, डी टी अपॉन में ए। तो ये मेरा फॉर्मेट अब क्या बन गया। अच्छा, ऐसा करने से क्या मेरी लिमिट में कोई चेंज आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर आ जाता है तब तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस केस में लिमिट चेंज हो गई तो मैं ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। तो देखो चेक करते हैं, अगर मेरा एक्स टेंड्स टू जीरो है जो कि यहाँ पे लोअर लिमिट है, तो क्या एक्स को जीरो पुट करने पे टी जीरो आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, देन मीन्स टी टेंड्स टू जीरो। अब अगर एक्स को इन्फाइनाइट पुट करो तो टी क्या हो रहा है, टी भी इन्फाइनाइट पुट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए जो है पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता कि ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव भी हो सकता है इसका मतलब ये लिमिट माइनस इनफाइनाइट हो जाती, उस केस में मैं गामा फंक्शन का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। इसलिए ये जो कंडीशन दी जाती है ये बहुत सोच समझ के दी जाती है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं कभी कभी कि इन कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये कंडीशन भले के लिए दी जाती है ताकि आपका फंक्शन डिफाइन रहे, आप यूज कर सकें, तो इसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। क्लियर है जी, तो इसका मतलब लिमिट का तो कोई बैरियर नहीं है, तो अपन कर सकते हैं आराम से। चलिए फिर हमने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूट किया, अब इसके अंदर पुट करते हैं। तो लिमिट तो अभी भी क्या रहेगी, 0 से ∞, ई की पावर अब क्या बन जाएगा, माइनस का टी डॉट, एक्स की जगह में क्या पुट करूंगा, टी अपॉन में ए की पावर एन, और डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, डी टी अपॉन में ए। थोड़ा सा इसको सही ढंग से लिखते हैं, 0 से ∞
ई की पावर माइनस टी, टी की पावर एन, और नीचे क्या है ए की पावर एन और ए की पावर वन, टोटल कितनी हो गई ए की पावर एन प्लस वन, और ये है डी टी। क्या आ गया सर, ये आ गया हमारे पास वन ओवर ए की पावर एन प्लस वन, और यहाँ पे आपके पास आ गया ई की पावर माइनस टी, टी की पावर एन, ये शायद मेरे पीछे छुप चुका है, जीरो टू इन्फिनिट, इज इट, नहीं थोड़ा सा तो है, दिख जाएगा आपको। तो यहाँ से आप मेरे को देख के बताइए, क्या ये आपको गामा एन दिख रहा है? हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, दिस इज गामा एन। अच्छा अच्छा, ये गामा एन है या गामा एन प्लस वन है, इसको लिखते हैं वापस से। तो हमारे पास आया है वन अपॉन में ए की पावर एन प्लस वन, जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस टी, टी की पावर एन डी टी। जबकि हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, गामा एन हुआ करता था सर जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन या एन माइनस वन, एन माइनस वन डी एक्स। तो मुझे इसको इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ इस एन को लिख देता हूँ एन प्लस वन माइनस वन। तो अब मेरा ये क्या बन गया एम, इसको मैं एम मान लूँ, तो यहाँ से मेरे पास वन ओवर ए की पावर एन प्लस वन क्या बन गया गामा एम, और गामा एम क्या है मेरा गामा एन प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस वन। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, गामा एन प्लस वन अपॉन में ए की पावर एन प्लस वन। याद करो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती थी क्या, गामा एन प्लस वन सर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल के, होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन में ए की पावर एन प्लस वन। क्लियर है जी, देखिए एक बार वापस से देखिए, चेक कीजिए, कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का और थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखते हैं। लिख लिया, आज पूरा गामा फंक्शन एकदम क्रीम हो जाएगा आपका, अच्छे से समझ में आएगा। और विकिपीडिया पे जाके थोड़ा सा सर्च कीजिएगा गामा फंक्शन कैसा दिखता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। बढ़ चले आगे, नोट डाउन हो गया, चलिए और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। सेकंड, जीरो टू इन्फाइनाइट ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर टू एन डी एक्स इक्वल किसके होगा, वन बाई टू ऑफ गामा एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय ए की पावर एन प्लस हाफ। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, क्या कि एन जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे को दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, गामा फंक्शन वाला। तो गामा क्या है मेरा, गामा फंक्शन मेरे को बस उस फॉर्मेट में बनाना है, मेरे को और कोई काम नहीं करना है। सो गामा फंक्शन मेरा क्या होता था, गामा एन इक्वल्स टू होता था जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। क्या यही होता था, दिस इज आवर गामा फंक्शन, लेट्स स्टार्ट। अब मुझे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स करनी है, यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, सो ए एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया क्या टी, तो यहाँ से मेरे पास टू ए एक्स डी एक्स क्या हो गया बताओ, डी टी हो गया। तो यहाँ से डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू ए एक्स डी टी। क्लियर है जी, ये लिख दिया और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ से हमारे पास आएगा जीरो टू इन्फाइनाइट। अब अगेन लिमिट चेक करना मत भूलना, जब आपका एक्स जीरो है तो टी भी जीरो, जब आपका एक्स इन्फाइनाइट है तो टी भी कितना इन्फाइनाइट। यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन्फाइनाइट की पावर टू मतलब इन्फाइनाइट स्क्वायर ऑलवेज इन्फाइनाइट ही होगा, तो यहाँ से लिमिट में कोई चेंज नहीं।
ओके बहुत बढ़िया, e की पावर माइनस का t, ओके सर बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर, यहां से क्या मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, टी बाई ए। हाँ तो यहां से मैं इसको एक्स की पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ क्या सर? एक्स की पावर 2n को लिखा जा सकता है, एक्स की पावर 2n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की पावर n। तो क्या मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ? टी बाई ए की पावर n। अब पुट करो dx की वैल्यू, वो क्या है, 1 ओवर 2ax dt। एक बार चेक करो सारे स्टेप सही है या नहीं है, जल्दी से अपने भी चेक किया करो, साथ के साथ किया करो, छापा मत करो डायरेक्ट, खुद से भी ट्राई किया करो कि सब्सटीट्यूट के बाद में स्टेप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां से इस एक्स को और हटाना है, तो यहां से आप निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू, एक्स इज नथिंग बट टी बाई ए का स्क्वायर रूट। तो यहां पर लिख दू 0 to ∞ e की पावर माइनस टी, ये हमारा है टी की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन। इधर मेरा क्या है, 1 ओवर 2 ए, एक्स की वैल्यू रखी अपन में स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई ए, दैट मीन्स टी नीचे आएगा ए ऊपर जाएगा, ओके ए की पावर 1/2 डिवाइड बाई टी की पावर 1/2, बहुत बढ़िया। और ये आ गया अपने पास डी, चेक करके बताइए फटाफट से कि ये सही है या नहीं। चले आगे, आज क्लास में कौन कौन है वैसे? मेरे को जितने पुराने यहाँ नाम याद है मैं वही रिपीट कर सकता हूँ बस, अविनाश, निरंजन और कौन कौन थे? अब धीरे धीरे दिमाग से निकल रहे हैं, इतने याद है, कृष्णा, फलक, खुशी और कौन लोग थे? चलो बाकी लोग जल्दी से लिखो इसको, इसलिए कहते हैं लाइव क्लास में आया करो ताकि नाम याद आए, जवाब दिया करो तो नाम याद रहे, अभी इतनों की नाम याद है, पलक और कौन थे अभी रिसेंट के अंदर जिन्होंने वीडियोस देखी है तो उनके नाम अपन देख सकते हैं। वैसे आप लिखिए एक बार जल्दी से इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं चले। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके वापस लिख देता हूँ यहीं पे, तो मेरा एक्सपोनेंशियल की पावर तो सेम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ई की पावर माइनस टी सही है। और ए की पावर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे 2 का फैक्टर है, ए की पावर एन प्लस हाफ इज इट राइट सर, और टी की पावर कितनी हो गई, एन माइनस हाफ, एन माइनस हाफ, और ये हो गया अपने पास डी टी 0 to ∞। इसको नेक्स्ट पेपर पे मैं लिख देता हूँ, 1 ओवर 2 ए की पावर एन प्लस हाफ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डॉट टी की पावर एन माइनस हाफ डी टी 0 to ∞। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या आपको यहाँ पे गामा फंक्शन का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो एक बार चेक करके बताइए, हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मेट क्या हुआ करता था सर? ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए और एक्स की पावर एन माइनस वन होना चाहिए, दिस इज और गामा एन। तो यहाँ पे मेरे को वन बनाने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं इसमें वन ऐड करता हूँ और वन घटाता हूँ, तो माइनस वाला रखना है मुझे और प्लस वाला इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, एन माइनस हाफ प्लस वन, ये क्या बन गया, एन प्लस हाफ बन गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई क्या आ गई, 2a की पावर एन प्लस हाफ और गामा एन प्लस 1/2। जरा ध्यान से देखिएगा, यही तो आप लाना चाह रहे थे, तो एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2a की पावर एन प्लस, क्या बोलते हो, सही है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, चलिए अब इससे थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं, चल दें थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर। उससे पहले आपको पता है ना ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं, 12th की चीज है एक, चलो वो भी बताई बताई देता हूँ आपको।
इन केस कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मेट भी आ जाए कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n dx, ऐसा कुछ आ गया। तो सर इस केस में क्या करेंगे कि सर हमने तो गामा फंक्शन सोचा था, बट गामा फंक्शन तो जीरो से इनफाइनाइट में लगता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे क्या सर, अगर मैं देखूं कि ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन का नेचर कैसा है, एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस पुट करता हूँ माइनस एक्स, तो क्या इस फंक्शन में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं सर, दैट मीन्स इट इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑल्सो है इवन फंक्शन, इवन इवन फंक्शन है और लिमिट सेम है बस नेगेटिव साइन के साथ। उस केस में क्या करते थे अपन, ट्वेल्थ की चीज याद करो, टू टाइम्स और लिमिट क्या हो जाती थी, हाफ। और ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, इसका डेरिवेशन तो अभी अपन ने किया ही था, क्या होता है 1/2 ए की पावर एन प्लस हाफ और गामा एन प्लस हाफ। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा सर गामा एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस हाफ, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, ऐसा भी आपसे चीजें पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें नहीं बताई जाती वैसे, बस आपको याद होनी चाहिए, पर ठीक है ट्वेल्थ की चीज़ थी। अब देख लो, ट्वेल्थ का कंसेप्ट अगर पता नहीं होता तो ये आप कर ही नहीं पाते, ठीक है, इतना तो आता ही है आपको आई एम श्योर। चलिए थोड़ा सा इससे और एक और एडवांस लेवल चलते हैं, ये सारे फॉर्मेट क्वांटम मैकेनिक्स में एज ए टीज काम आएंगे आपके। ये जो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ ना, वो इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। थोड़ा ध्यान से रूम पे जाके अपने ये क्लास खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस करना इनके प्रूफ की, ठीक है। फालतू में ये नहीं कि आप एक घंटा मैं इसमें दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, इसका एक लॉजिक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। चलो चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जीरो टू इनफाइनाइट जब एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालोगे ना आप, तो ऐसे ही फंक्शन आएंगे आपके पास। परटर्बेशन थ्योरी अपन पढ़ेंगे, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स पढ़ेंगे, वो सारी पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें यही काम आएंगे। ये क्या है, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स, लीजिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कैसे करोगे, अब ये तो गामा फंक्शन की तरह दिख भी नहीं रहा है, उससे पहले ये किसकी वैल्यू थी, ये थी हमारे पास e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2n 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स की वैल्यू। एक बार मुझे यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करके बताइए कि क्या आ रहा है। जब आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। एन की वैल्यू 0 पुट करी तो ये क्या बन गया, 1/2 गामा, और ये क्या बन गया, 2 ए की पावर 1/2, क्योंकि n 0 हो चुका है। अब गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है सर, गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो यहाँ से मेरे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए आ गया। तो एक फॉर्मूला ये भी आप याद रखिए हमेशा से ही, क्या, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए, या क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये भी हो सकता है कि आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर भी आपसे पूछ ले, वो क्या होगा सर, इसी का टू टाइम्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए। ये तीन, ये दोनों फॉर्मूले आपको तो रटे हुए होने चाहिए, प्रूफ तो बता ही दिए आपको, बट इन जनरल भी आपको रटे हुए होने चाहिए। अब सर ये तो याद रख लेंगे, अब थोड़ा लेफ्ट साइड में नजर घुमा के देखोगे तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर के अलावा बी एक्स का टर्म भी आ गया। इस केस में सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक है मेक इट परफेक्ट होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करके क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में बना सकते हो,
बिल्कुल बना सकते हैं सर, मेरे को नेगेटिव वाला बाहर रखना है, सो मेरे पास आ गया e की पावर माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डी एक्स लिमिट जीरो टू इन्फाइनिट, क्या यही है? अब इसको अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, और सब्सटीट्यूशन करते ही अपना इसी फॉर्मेट के अंदर आंसर आ जाएगा। लॉजिक सेम ही है, आसान सा, करें ट्राई। चलिए तो यहाँ पे अपन क्या करें, इसमें से ए कॉमन लेते हैं, मैंने ए कॉमन लिया बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स। अब आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो थोड़ी सी हेल्प आप करो कि इसके अंदर में क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सोचिए, देखिए यहाँ पे अपने पास माइनस का ए, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स। हमारे पास परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या यही होता है? मेरे पास ए स्क्वायर का टर्म है, बी टू ए बी का टर्म है, बट बी स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो मेरे को बी स्क्वायर का टर्म सोच के यहाँ पे एड ऑन करना पड़ेगा ताकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। करें तो क्या ऐड करना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ टू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये समझ में आ गया कि ये तो मेरा ए है, दिस इज माई ए, ये मेरा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो मैं b का स्क्वायर ऐड करता हूँ, सो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर ऐड किया, और बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर ही मैंने सब्सट्रैक्ट किया, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया है, माइनस का a, ये मेरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी x माइनस बी बाई टू ए और इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, देखा बना दिया इसको परफेक्ट होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि जो हमारा इंटीग्रल है वो अब क्या बन गया सर, ये हमारा बन गया e की पावर माइनस ए, अंदर है अपने पास x माइनस बी बाई टू ए इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर dx, क्या यही है? तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इनको सेपरेट करके लिख दो, तो आपने सेपरेट करके लिखा तो क्या आया, जीरो टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर डॉट, अच्छा यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए डी एक्स। अब मुझे बताइए ये वाला इंटीग्रल क्या होता है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे बता दें हम, इसको सब्सटीट्यूट करो, इसको मान लो कैपिटल x, तो dx क्या हो जाएगा, डायरेक्ट d कैपिटल x है ना, बट एक दिक्कत है, वो दिक्कत नोटिस नहीं करी गई, वो दिक्कत हमने नोटिस नहीं करी, क्योंकि यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है रूट वन बाई टू रूट पाई बाई ए। ओके चलिए कुछ करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही चलते हैं अपन। तो यहाँ से मेरे पास जो मेरी लोअर लिमिट है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो देन कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी बाई टू ए, इज इट ओके। व्हेन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट देन कैपिटल एक्स टेंस टू माई इन्फाइनाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है अब ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, माइनस बी बाई टू ए
और लिमिट जा रही है इन्फाइनाइट तक, e की पावर माइनस ए कैपिटल एक्स स्क्वायर, e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर ए और d कैपिटल x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिमिट ब्रेक करी तो क्या आया, माइनस बी बाई टू ए से ज़ीरो प्लस ज़ीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर ए डी एक्स कैपिटल ना, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन, पहले इसको फाइंड आउट कर दो। तो e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर है, ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपन ने, जीरो से इनफाइनाइट के लिए वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए होता है, तो ये तो हो गया अपने पास वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए इंटू e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर ए प्लस माइनस बी बाई टू ए से ज़ीरो, यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस ए, यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर ए डी एक्स, ओके। सो इस इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करते हैं, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे इसको कुछ टर्म, इसको माना अपन ने t, बट इससे ये सॉल्व होगा क्या, लग तो नहीं रहा क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके इसकी वैल्यू भी आनी चाहिए अपने पास 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए। तो एक बार घर जाके आप चेक कीजिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, बाकी कल इसको वापस से चेक करेंगे अपन। e की पावर बी स्क्वायर बाई फोर है, ये दोनों मिलके अपने को दे देगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए e की पावर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार आप चेक कीजिएगा, आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करता हूँ क्या इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है जी। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी, और ये जितने भी फॉर्मेट अपन पढ़ रहे हैं ये सारे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, अदरवाइज इनके प्रूफ्स भी आपको याद होने चाहिए। तो एक सवाल दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, जीरो टू इन्फाइनाइट नहीं है आपके पास, सवाल है 1 to infinite e की पावर माइनस x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 1 की पावर 5 dx क्या होगा। एक और सवाल लिख लीजिए, ये अपन कल डिस्कस करेंगे वैसे, 0 to 1 x ln x, अब देखने से आपको लगेगा नहीं बिल्कुल भी कि क्या यहाँ पे गामा फंक्शन यूज हो सकता है क्या, और ऐसे ही सवाल जस्ट और TFR पूछता है, गामा फंक्शन उसका फेवरेट है, जेम के अंदर नहीं पूछते इतने अच्छे सवाल, बट जस्ट और TFR के अंदर तो पूछते हैं, ठीक है, बट इनका एप्लीकेशन जेम के अंदर बहुत है, तो इन जनरल आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों सवाल कीजिएगा और उसका भी आप फिगर आउट कीजिएगा कि क्या ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डिस्कस, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जिन लोगों ने भी क्लास देख ली है जल्दी से जाके क्लास कंप्लीट होते ही कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया रहे कि कौन कौन है जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं, ताकि उनके लिए हम एक स्पेशल चीज करने वाले हैं थोड़े टाइम में, जैसे ही ये सब ओवर हो जाता है, नेटवर्क स्टेबल हो जाता है, दैट, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।